नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। खबर दिन भर आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात पिंडरा के करेंगे, जहां पर आसमान में अद्भुत नजारा देखने को मिला। आसमान में अद्भुत नजारा देखने को मिला है, कतार में तैरती नजर आई रोशनी कौतूहल का विषय बनी। तेज रोशनी जानकारों ने अमेरिकी सैटेलाइट बताया है, अमेरिका के स्टारलिंक सैटेलाइट की रोशनी बताई है। पिंडरा के दानी कुंडी और जमणी में ये रोशनी दिखी है। तो आसमान में अद्भुत नजारा देखने को मिला है, ये अद्भुत नजारे की तस्वीरें आप देख रहे हैं। कतार में तैरती नजर आई है रोशनी, चर्चा का विषय बनी हुई है। जानकारों ने अमेरिकी सैटेलाइट बताया है, अमेरिका के स्टारलिंक सैटेलाइट की रोशनी इसे बताया गया है। पिंडरा के दानी कुंडी और जमणी में ये रोशनी दिखी। आसमान में अद्भुत नजारा देखने को मिला है, ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। कतार में तैरती नजर आ रही है रोशनी, पिंडरा के आसमान में अद्भुत नजारा देखने को मिला, ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। कतार में तैरती नजर आई है रोशनी, जो चर्चा का विषय बनी हुई है। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, अद्भुत नजारा आसमान में देखने को मिला है। ये अद्भुत नजारे की तस्वीरें आप देख रहे हैं, कतार में तैरती हुई नजर आई है रोशनी, जो चर्चा का विषय बनी हुई है। रायपुर से बड़ी खबर की बात करेंगे। रायपुर शहर में सफाई व्यवस्था ठप होगी, कल एक से ठप होगी सफाई व्यवस्था। ठेकेदारों ने निगम को अल्टीमेटम दिया है, कल से बंद होगी सफाई। 3 महीने से नहीं हुआ है भुगतान, भुगतान होने तक बाधित रहेगी सफाई व्यवस्था। तो कल से ठप होगी सफाई व्यवस्था, बता दें आपको। ठेकेदारों ने निगम को अल्टीमेटम दिया है, कल 1 जून से सफाई बंद होगी। 3 महीने से इनका भुगतान नहीं हुआ है, सफाई कर्मियों का भुगतान नहीं हुआ है, और भुगतान जब तक नहीं होता तब तक सफाई व्यवस्था बाधित रहेगी। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, रायपुर की तस्वीरें हैं, जहां पर सफाई व्यवस्था ठप होगी। अब कल से ठेकेदारों ने निगम को नोटिस भी थमा दिया है, बता दें इनको भुगतान नहीं हुआ है और इस वजह से इन्होंने 1 जून से सफाई करना बंद किया है, बंद करने का ऐलान किया है। 3 महीने से इनका भुगतान नहीं हुआ है, जिस वजह से ये लोग परेशान हैं, और जब तक भुगतान नहीं हो जाता तब तक सफाई व्यवस्था यूं ही ठप रहेगी। सफाई कर्मियों को भुगतान नहीं हुआ है और सफाई कर्मी इसी वजह से परेशान हैं, और अब जब तक सफाई कर्मियों को भुगतान नहीं हो जाता तब तक सफाई व्यवस्था ठप रहेगी। ज्यादा जानकारी के लिए युगल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। युगल, सफाई कर्मी अब काम बंद पर आ गए हैं, उनका भुगतान नहीं हुआ है 3 महीने से, और सफाई व्यवस्था अब चरमरा जाएगी। के जो ठेकेदार है वो लगातार आरोप लगाते रहे हैं कि भुगतान में विलंब हो रहा है, और लगभग 3 महीने से उनका जो भुगतान है वो हो नहीं पाया है। और इसके अलावा जो सफाई कर्मचारी है वो काम करते हैं, कई स्थानों पर 20 से 25 अलग अलग जगहों पर सफाई कर्मी लगाए जाते हैं और वो अचानक नदारद पाए जाते हैं, तो वो जो औचक निरीक्षण में उनकी जो गैरहाजिरी रहती है वो उसका भी पैसे की मांग कर रहे हैं। कुल मिला के मामला निगम और ठेकेदार के बीच अटका हुआ है। जब कर्मचारी सफाई से नदारद है तो उनको भुगतान कैसे होगा निगम का कहना है, तो दूसरी ओर ठेकेदार पर ये जो सफाई कर्मी है वो दबाव बना रहे हैं कि पूरा भुगतान हो, तो इसी को लेकर के मामला कुल मिलाकर लंबित है।
सब जो ठेकेदार हैं, सफाई कर्मी है, उन्होंने साफ अल्टीमेटम दे दिया है कि कल से सफाई व्यवस्था पूरी तरह से बाधित रहेगी। देखना होगा कि निगम की सर से बीच का रास्ता है वो अख्तियार करती है, अगर नहीं कर पाने से निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जो साफ शहर है रायपुर उस पर गंदगी पसरी हुई जरूर नजर आएगी। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया युगल, आप लगातार बने रहिएगा, फिर आपके पास लौटूंगी अगली खबर पर। छत्तीसगढ़ से एक और बड़ी खबर है, कांकेर में जलाशय को खाली करने के मामले में एक्शन लिया गया है, 3 अधिकारियों पर मामला दर्ज हुआ है, फूड इंस्पेक्टर, एसडीओ और सब इंजीनियर पर एफआईआर हुई है। परलपुर जलाशय के बेस्ट वियर बेसिन से पानी निकालने का ही मामला है। और ज्यादा जानकारी के लिए युगल लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। युगल, जलाशय से पानी निकालने के मामले में और कार्रवाई लगातार होती जा रही है, 3 पर गाज गिरी है। ये बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि प्रदेश का पहला इकलौता ऐसा ये मामला है जिस पर 3 अधिकारियों की पानी की बर्बादी को लेकर के एफआईआर दर्ज की गई है। इस खबर को प्रमुखता से न्यूज 18 ने पहले दिखाया, तब अधिकारी जनप्रतिनिधियों ने इस मामले को संज्ञान में लिया और एक बड़ा बवाल इस पर मचा था। हालांकि जो फूड इंस्पेक्टर जिसने पानी को निकलाया था वो कई बार अपने आप सफाई देने का प्रयास कर रहा था, अपने आप को निर्दोष साबित करने का प्रयास कर रहा था, लेकिन आज इस कार्रवाई से साफ स्पष्ट हो गया है कि राजेश विश्वास, फूड इंस्पेक्टर, जल संसाधन विभाग के एसडीओ रामलाल धीवर और सब इंजीनियर छोटे लाल ध्रुव पर एफआईआर दर्ज की गई है। तो ये बड़ी कार्रवाई इसे कही जा सकती है और पूरा जो मामला है पखंजूर थाने में दर्ज हुआ है। तो इससे साफ जाहिर है कि सरकार की मंशा है कि इस तरह के जो लापरवाही है और इस तरह से जो भर्राशाही अगर कोई अधिकारी बरतता है तो उस पर कार्रवाई बिल्कुल की जा सकती है। एक बड़ा संदेश है और एक सबसे बड़ी बात यह भी कही जा सकती है कि न्यूज 18 की खबर को मोहर लगी है और इन 3 लापरवाह अधिकारी जल का संचय करने के बजाय उसका अपव्यय कर रहे थे, उन पर एक बड़ी कार्रवाई की गई है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया युगल जानकारी को साझा करने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, एमपी साइबर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है, 3 लाख से अधिक मोबाइल नंबर जारी हुए हैं, लाखों सिम कार्ड फर्जी तरीके से जारी हुए हैं, एक ही शख्स के नाम पर कई सिम दिए जा रहे हैं, एक ही शख्स की फोटो आईडी पर सिम जारी हो रहे हैं, कई इलाकों में बड़ी संख्या में फर्जी तरीके से सिम कार्ड जारी हुआ। साइबर अपराधों को अंजाम देने की मंशा से जारी किए गए फर्जी नंबर, भोपाल साइबर पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। भोपाल पुलिस कमिश्नर हरि नारायण जारी मिश्र का बयान भी आया, बड़े क्राइम में होता है फर्जी सिम का इस्तेमाल, साइबर अपराध को भी बढ़ावा मिलता है, पड़ोसी राज्यों से भी फर्जी नंबरों की खेप आने की आशंका है। पुलिस ने गैंग को भी आइडेंटिफाई किया है, फर्जी नंबरों का इस्तेमाल गैर कानूनी है, हम सख्त कार्रवाई करेंगे। जितने भी बड़े क्राइम्स हो रहे हैं, मुख्तर पे बड़ी साइबर क्राइम से जुड़ी जो घटनाएं हो रही हैं उसमें खास बात है कि गलत सिम का प्रयोग होता है और बहुत सारे बड़े जो सिम्स हैं उसमें कई ऐसे राज्यों से आ रही हैं जो कि सुदूर जो उत्तर पूर्व के कई राज्य हैं जहां पर इस तरह के सिम पाए गए हैं जो वहाँ के एक्टिवेटेड सिम हैं। इसमें पुलिस इस बात को परसू कर रही है, पुलिस ने एक गैंग को भी इसमें आइडेंटिफाई किया है जो इस तरह के फर्जी सिम को ला करके और अपराधियों तक पहुँचाता है, तो पुलिस उनके विरुद्ध भी कार्रवाई कर रही है। बहरहाल इस तरह के सिम का उपयोग करना भी अपराध है और पुलिस इसको लेकर के सतर्क। तो एमपी पुलिस साइबर का ये बड़ा खुलासा, एमपी साइबर पुलिस का ये बड़ा खुलासा है कि एक ही आईडी पर कई सारे सिम कार्ड परचेस किए गए हैं और बता दें आपको लाखों सिम कार्ड फर्जी बताए जा रहे हैं, एक ही शख्स के नाम पर कई सिम दिए जा रहे हैं, एक ही शख्स की फोटो आईडी पर सिम जारी हो रहे हैं, बड़ी संख्या में फर्जी तरीके से सिम कार्ड जारी हो रहे हैं, साइबर अपराधों को अंजाम देने की मंशा से फर्जी नंबर जारी किए जा रहे हैं, 3 लाख से अधिक फर्जी मोबाइल नंबर जारी हुए हैं, लाखों सिम कार्ड फर्जी तरीके से जारी हुए हैं, ये बता दें आपको एक ही शख्स के नाम पर कई सिम दिए जा रहे हैं। तो एमपी साइबर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है, लाखों सिम कार्ड फर्जी तरीके से जारी हुए हैं, 3 लाख से अधिक फर्जी मोबाइल नंबर जारी हुए हैं, लाखों सिम कार्ड फर्जी तरीके से जारी हुए हैं, बता दें आपको कि एक ही शख्स के नाम पर कई सिम दिए जा रहे हैं, एक ही शख्स की फोटो आईडी पर सिम दी जा रही है,
बड़ी संख्या में फर्जी तरीके से सिम कार्ड जारी हो रहा है। साइबर अपराधों को अंजाम देने की मंशा से ये जारी किए जा रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी वासु चौरे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, एमपी साइबर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है, एक ही नाम पर, एक ही आईडी पर कई सारे सिम जारी हो रहे हैं, ये बड़ा खुलासा हुआ है। और इसकी जो मात्रा है छोटी मोटी नहीं है, 3 लाख से भी ऊपर संख्या बताई जा रही है। निश्चित तौर पर देखे तो बड़ी सफलता मध्य प्रदेश साइबर पुलिस को मिली है, जो लंबे समय से फर्जी कई एक नंबर से सिम जो जारी हो रहे थे और जिनका अक्सर इस्तेमाल साइबर अपराधों को अंजाम देने के लिए किया जाता था, उसका खुलासा किया गया है। और एक बड़ी तफ्तीश जो है वो चल रही है, जांच में ये भी बात निकलकर सामने आई है कि पड़ोसी राज्यों से भी फर्जी सिमों की खेप आती थी, जिससे कहीं ना कहीं साइबर अपराध या फिर जो अन्य अपराध है उनको अंजाम देने का काम आपराधिक तत्व असामाजिक तत्व करते थे। पुलिस कमिश्नर ने हमें ये भी बताया कि एक गैंग को भी आइडेंटिफाई इसमें किया गया है और जो जांच पड़ताल है वो आगे भी चल रही है। स्पष्ट कर दिया गया है कि फर्जी सिम का उपयोग करना और इससे किसी भी तरीके से फैलाना या इसका साइबर अपराधों में इसका इस्तेमाल करना एक बेहद ही संगीन अपराध है और सख्त कार्रवाई इस पूरे मामले में आगे भी पुलिस के द्वारा की जाएगी। और ये जो 3 लाख सिमों का जिस तरीके से जो मार्केट में होता रही है उसकी पूरी तफ्तीश जो जांच करने की जो जिम्मेदारी है वो भोपाल साइबर पुलिस को सौंपी गई है और आने वाले समय में पूरे मामले में कई सारे बड़े खुलासे हो सकते हैं। जी ऋतु, ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया वासु जानकारी को साझा करने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आदिवासियों को साधने के लिए कांग्रेस उलगुलान अभियान चलाएगी। आदिवासी बाहुल्य विधानसभा क्षेत्रों में अभियान चलाएगी। स्थानीय सामाजिक संगठनों का विचार सम्मेलन होगा। मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद करेगा आयोजन। अनुसूचित जनजाति वर्ग को एक साथ लाने के लिए ये अभियान शुरू किया जाएगा। बिलासपुर से बड़ी खबर है, ट्रेन के 2 डिब्बे एक दूसरे से टकराए हैं। नागपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस के साथ ही हादसा हुआ है। 2 डिब्बे के बफर एक दूसरे से टकराए, बड़ा हादसा टला है। 1.5 घंटे से डोंगरगढ़ में ट्रेन खड़ी है। रेलवे के अधिकारी और कर्मचारी सुधार कार्य में जुटे हुए हैं। दो डिब्बे के बफर एक दूसरे से टकराए हैं, बड़ा हादसा होते होते टला है। 1.5 घंटे से डोंगरगढ़ में ट्रेन खड़ी हुई है। रेलवे के अधिकारी और कर्मचारी सुधार कार्य में जुटे हुए हैं। ट्रेन के 2 डिब्बे एक दूसरे से टकराए हैं, ये बड़ी खबर आपको बिलासपुर से बता रहे हैं। नागपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस के साथ ये हादसा हुआ है, जहां पर 2 डिब्बे के बफर एक दूसरे से टकराए हैं। रेलवे के अधिकारी कर्मचारी सुधार कार्य में जुटे हुए हैं। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, बिलासपुर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ट्रेन के 2 डिब्बे एक दूसरे से टकरा गए हैं। नागपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस के साथ ये हादसा हुआ, 2 डिब्बे के बफर एक दूसरे से टकरा गए, बड़ा हादसा टल गया। 1.5 घंटे से डोंगरगढ़ में ट्रेन खड़ी हुई है। रेलवे के अधिकारी कर्मचारी सुधार कार्य में जुटे हुए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए राकेश यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, 2 डिब्बे के बफर एक दूसरे से टकराए हैं, कैसी स्थिति है, क्या यात्रियों को चोट वगैरह आई है, क्या ज्यादा जानकारी? जी आपको बता दूं ऋतु मैं कि ये बिलासपुर नागपुर इंटरसिटी ट्रेन है
जो बिलासपुर से नागपुर की ओर जा रही थी और डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशन के पास ये पहुंची है। इस दौरान दो जो डिब्बे हैं उसका जो बफर है वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ गया है और ये बफर चढ़ने के बाद एक बड़ा हादसा होते होते रह गया है और कहीं ना कहीं ये जो बड़ा हादसा जो टला है वो लोगों के लिए लोगों ने राहत की सांस ली है और इस डिब्बे का जो बफर है वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ गया है और कहीं ना कहीं बड़ा हादसा टल गया है। दूसरी चीज ये बताऊंगा कि अभी भी ट्रेन जो डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशन के पास खड़ी है और युद्ध स्तर पर जो इसका रेस्क्यू है वो जारी है और ट्रेन को सही करने का काम किया जा रहा है ताकि इसे इसके गंतव्य स्थान नागपुर रवाना किया जा सके। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। छत्तीसगढ़ में ऐतिहासिक रामलीला मैदान में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय रामायण महोत्सव के रंग में रायपुर पूरी तरह से रंग चुका है। युद्ध स्तर पर चलने वाली प्रशासनिक तैयारियों के साथ ही आम जनता ने भी महोत्सव को लेकर गजब का उत्साह दिखाया है। आयोजन की सबसे खास बात यह है कि इसकी थीम रामायण के अरण्य कांड पर आधारित है और इसके चलते मंच को भी अरण्य कांड की थीम पर ही सजाया जा रहा है। महोत्सव में हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ होगा तो वहीं कंबोडिया और इंडोनेशिया के दल महोत्सव में प्रस्तुति देंगे। समापन समारोह में बिहार की मैथिली ठाकुर और कुमार विश्वास भी शामिल होंगे। कल गुरुवार से रामायण महोत्सव शुरू होगी। और इसी के साथ ही खबर दिन भर के बुलेटिन में इतना ही।